रिपोर्ट्स आ गई ना जी। तो क्या है इनमें? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र, बिला वजह तुमने प्रदा के ऊपर तोहमत लगाई। मैं तुम्हें कह रही थी, मेरा दिल गवाही देता था वो नेक है, पाकबाज है। मुझे तो लगा कि वो जो पहली रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक है, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते, दूसरी लैब में जाते, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए था ना। तहकीक के बगैर बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ी सजा है उसकी। तो अब क्या करूं? माफी मांगो जाके, और क्या कर सकते। लेकिन माँ जी आपको तो पता है ना, खुदा की कसम मुझे जो कुछ हुआ अनजाने में मैंने जानबूझ के नहीं किया। यही कह रही हूँ, जाओ जाके बताओ उसे, बात करो उससे, माफी मांगो उससे, जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। हेलो जी माँ जी, माँ जी रिदा बाजी अस्पताल गई हैं, खदीजा बाजी लेकर गई हैं उन्हें। नहीं माँ जी, खैरियत नहीं है, रिदा बाजी गिर के बेहोश हो गई थी। बस अल्लाह ने जो उन्हें खुशी दी थी वो वापस ले ली। मेरे को सुनो क्या है माँ जी, ऐसा क्या कर दिया है मैंने, ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा है? पहले वो गलती मैं तुम्हें कहती थी ना, अपनी बीबी पे बोहतान मत लगाओ, अल्लाह ताला ऐसी बातों से बहुत नाराज होता है, शायद इसी बात की सजा है। अच्छा बस ये क्या हो गया मुझसे माँ जी? माजी आप तो जानती है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है, जो कुछ हुआ है अनजाने में किया है माँ जी, मैं के बगैर नहीं रह सकता माँ जी, माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा बस, दोबारा से कोई गलती कर रहे हो तुम, फिर गलत सोचने लगे, और अपने बारे में नहीं इस वक्त रिदा के बारे में सोचो। खुदा मालूम उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। पहले जवान भाई की मौत, ऐसी हालत में प्रेगनेंसी, फिर शौहर के हाथों किरदार पर बोहतान, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हमें उसके पास जाना चाहिए जीशान, हमें उसे हिम्मत और तसली देनी चाहिए।